आप भी झटपट से बनाइए इतना टेस्टी चटपटा मसालेदार त्वारी का सब्जी। यकीन मानिए इतना पसंद आएगा कि आप उंगली चाटते रह जाएंगे। यकीन नहीं होता तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं शिल्पी की रसोई। आज हमारी रसोई में दोस्तों इसे त्वारी खीरा नेनुआ भी बोला जाता है अलग अलग देशों में। आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइए दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर हमारे यहाँ इसे खीरा बोला जाता है दोस्तों। मैंने खीरा को अच्छे से छील के धो के साफ करके इसके छोटे छोटे पीस मैंने काट लिए दोस्तों। इसका स्लाइसेस आप देख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से पतले पतले स्लाइसेस काटे हैं ताकि हमारा खीरा अच्छे से पानी छोड़ दे, इसका सारा पानी जल्दी निकल जाए। तो मैं इसको कढ़ाई में चढ़ाती हूँ दोस्तों। मैं इधर चूल्हा भी धरा दी और मैं इसमें भी कुछ भी नहीं डाली हूँ, सिर्फ अच्छे से धो के साफ करके मैं इसको चूल्हे पर चढ़ाती हूँ और इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए दोस्तों, इसको निकालने के बाद नीचे से हमारा खीरा पक गया है, गल गया है। तो आप इसको चला लेंगे ताकि ये ऊपर वाला भी अच्छे से पक जाए। तो इसको हम चलाकर फिर से ढक देंगे और अभी देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा हमारे खीरे से आ गया है। अभी और भी ज़्यादा पानी छोड़ेगा तब ये सारा गल जाएगा, तब इसमें बहुत सारा पानी हो गया। तो देख सकते हैं इसको ढक देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों सारा खीरा अच्छे से गल गया है और देख सकते हैं कितना सारा पानी छोड़ दिया इसको। तो मैं इसको छान कर निकाल लेती हूँ अलग बर्तन, क्योंकि इसको पानी में सोखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों, इसलिए इसको मैं पानी से निकाल रही हूँ। और इसमें मैं कुछ भी नहीं डाली थी दोस्तों, तब भी इसको ज़्यादा पानी हो जाता है, इसलिए इसको मैं छान कर निकाल लेती हूँ। देख सकते हैं कितना सारा पानी है इसमें हमारे त्वारी से निकला है। तो इसका पानी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसका आप इस पानी से दाल बना सकते हैं या फिर ग्रेवी वाली सब्जी में भी आप इसे डाल सकते हैं अगर बना रहे हैं तो। इसके बहुत अच्छे फायदे होते हैं दोस्तों इसके पानी, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दूँ और हमारा कढ़ाई गर्म हो गया तो मैं इसमें डाल दी हूँ रिफाइंड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं आप जो खाते हैं। तो हमारे गर्म हो गया दोस्तों, मैं इसमें डाल दी हूँ जीरा और काला राय इसके चटाक में देते सकते। उसके बाद मैं इसमें डाल दी 5 लहसुन की कलियाँ जिसको मैंने चूचा के लिए भी, और उसके बाद 2 हरी मिर्च जिसको भी देते हैं 15-20 सेकेंड के लिए, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। उसके बाद जो हमारा पका हुआ दो टाइम का टमाटर है, अच्छे से 2 मिनट तक भून लेंगे जब तक कि हमारे मसाला से तेल ना छोड़ने लग जाए और टमाटर हमारा थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक हम इनको भून लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से भून गया, किनारा से तेल भी छोड़ने लगा और टमाटर भी हमारा लगभग गल गया है दोस्तों। थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ वो सब्जी साथ गल जाएगा। उसके बाद हमारा मसाला अच्छे से भून गया तो मैं डाल दूँगी जीरा, इसको हम मसाला साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से चलाकर। तो इसको हम अच्छे से चला लेते हैं ताकि मसाला हमारे खीरा के अंदर चला जाए। इसको हम चलाने के बाद इसको हम अच्छे से ढक देते हैं करीब 10 मिनट तक। इसको हम ढक के पकाएंगे दोस्तों ताकि मसाला नमक वगैरह हमारा खीरा के अंदर जा सके। तो इसको हम ढक कर पकाएंगे और जो भी पानी था वो हमारा सूख गया था 10 मिनट के बाद। तो देख सकते हैं हमारे इधर खीरा का सब्जी बनकर तैयार है दोस्तों, कितना अच्छा हमारा पका है। अब इसे रोटी चावल पराठा नान किसी भी चीज़ के साथ खाइए दोस्तों, यकीन मानिए इतना पसंद आएगा आपको, जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।